अरवल के कुर्था से खबर है, जहां ब्लॉक प्रांगण में युवा उद्योगपति एवं समाज सेवी निशिकांत सिन्हा ने जन आशीर्वाद संवाद सभा को संबोधित किया है। वहीं संबोधन में निशिकांत सिन्हा ने कहा है कि बिहार के लोगों की हालत बदलने में सबसे बड़ी बाधा यहां की बदहाल शिक्षा और रोजगार है। अगर मुकम्मल बदलाव चाहते हैं तो शोषित और वंचितों को जाति और धर्म की दीवार को तोड़कर एक होना होगा। वहीं जगदेव प्रसाद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए निशिकांत सिन्हा ने कहा कि उनके ही संघर्षों से आज कुछ तब्दीली आई है, लेकिन एकजुट होकर और संघर्ष करने की जरूरत है। वहीं निशिकांत सिन्हा ने वादा किया कि गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज बनने के लिए दूसरा जगदेव प्रसाद बनने को तैयार हूं। वहीं कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नेता नागमणि कुशवाहा ने अपील किया है कि युवा निशिकांत सिन्हा के पक्ष में संगठित होकर मन और मिजाज बना ले तो बिहार में निश्चित बदलाव हो जाएगा। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद सह पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा ने लोगों से अपील किया है कि महिलाओं को घर की दहलीज से बाहर निकालकर इस आंदोलन में शामिल करें। वहीं जन आशीर्वाद संवाद सभा की अध्यक्षता कृष्णा प्रसाद दिवाकर और संचालन नीरज कुशवाहा ने किया है। का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, खासकर आज के टाइम में जैसे मैंने अभी ही बोला कि जो डर दिखा के हम लोगों ने नया सरकार बनाने में मदद की है, हम लोगों ने जिनको वोट दिया था कि भाई 20 साल पहले यहाँ पे लोग बोलते थे कि जंगल राज है या लोगों की हत्याएँ हो रही हैं, तो इसलिए हम लोगों ने बदलाव किया था 2005 में। आज फिर से आप लोगों ने देखा है कि वही जंगल राज आ गया। आज हर समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, खासकर जो दलित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं, खासकर हमारे समाज की तो डेली हत्याएं हो रही हैं। तो आज फिर लॉ एंड ऑर्डर पे तो काम ही नहीं हो रही है, तो जो चीज़ के लिए हमने वोट दिया था आज उसी चीज़ में सरकार हमारी फेल हो गई। तो बदलाव सिर्फ हमारे सिर्फ शिक्षा की नहीं है, शिक्षा के साथ साथ हमें हर जो भी क्षेत्र का के बारे में आप बोलेंगे वो हर क्षेत्र में हमें बिहार में बदलाव की। ये बदलाव कैसे होगा, क्या निशिकांत सिन्हा एक पार्टी बनाएंगे या सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं? नहीं, अभी पार्टी के लिए मैंने अभी जैसे मैंने बोला कि पार्टी के लिए अभी मैंने सोचा नहीं है। मेरा अभी पहला उद्देश्य यही है कि बिहार के जितने भी जिले हैं उस जिले में हम दौरा करें, अपने समाज के लोगों से मिले, अपने दलित शोषित लोगों से मिले, अपने वंचित लोगों से मिले, अपने गरीबों से मिले, ताकि उनकी जो समस्याएं हैं जो हर रोज़ फेस कर रहे हैं, हर तरह का समस्याएं फेस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि डेली हमारे समाज की हत्याएं हो रही है, आज 2-2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, लेकिन आज वो अपराधी पकड़ाया नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे जो बिहार के जो सत्ते में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, तो वही बदलाव लाने की ज़रूरत है और ये बदलाव को एक जो युवा है वही ला सकते हैं।